सही बात है मैया। आज कल अगर घर में लड़की का जन्म हो जाए तो लोगों को ऐसा लगता है मन पता नहीं कौन सुन के ऊपर बोझ डाल दो। दो चार दिन चूलो नहीं से लगे, दो चार दिन रोटी नहीं होती घर में। सही बात है। मैंने अक्सर देखा है कि आज की दुनिया के लोग जो हैं महाराज लड़का सब चाहते हैं मगर लड़की कोई नहीं, कोई नहीं चाहता है। आज की दुनिया में सब लड़कन का जी भाग रही कि परमात्मा हमें एक लड़का दे दे वे, परमात्मा हमें एक लड़का दे दे वे। और जब एक एक लड़का कत तो फिर महाराज पांच छह लड़कियां हो जा जगह कर परमात्मा हमें लड़की दे दे, लड़की दे दे। जब लड़की कहोगे तो फिर लड़का आएगा। एक सत्य आपको बात हम बता रहे हैं कि आजकल लोगों की मनोवृत्ति कुछ ऐसी हो गई है कि आज के जमाने में लड़कों को मानने वाले सब हैं मगर लड़कियों को मानने वाला कोई नहीं। ध्यान रखना मेरी एक बात, पीछे बुजुर्गों, लड़कियां भी उन्हीं के घर में होती हैं जो बादशाह होते हैं। गरीबों के घर में कभी लड़कियां जन्म नहीं लेती हैं। ध्यान रखना, गांठ बांध लेना बात को। गरीबों के यहां कभी लड़कियां जन्म नहीं लेती हैं। तुम पैसे से धनवान होगे, घर मकान तुम्हारा अच्छा होगा, महंगी महंगी गाड़ियों में चलते होगे, दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, लेकिन अगर तुम्हारे घर में लड़की नहीं है तो तुम्हारे जितना गरीब दुनिया में कोई नहीं होगा। ध्यान रखना, क्योंकि लड़कियां उन्हीं के घर में आती हैं जो अमीर होते हैं, जो मन से पैसे वाले होते हैं, जो जिनका मन सुंदर होता है उन्हीं के घर में लड़कियां जन्म लेती है। और जिनके घर में लड़की होती है ना दादा, उस लड़की का बाप अगर भीख भी मांगता होगा तो उससे ज्यादा कोई धनवान इस दुनिया में नहीं होगा। क्योंकि लड़की सर का बोझ नहीं होती है, लड़कियां हमेशा सर का ताज होती है जो हमेशा सर पर सजा करके रखी जाती है। लेकिन आजकल के लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं। क्या नहीं कर सकती है लड़की, क्या नहीं कर सकती है लड़की, हमें कोई एक प्रमाण दे दे। लड़कियां बॉर्डर पर जाकर के हमारी रक्षा करती है। और छोड़ो, हमारे देश की लड़कियां इतनी होशियार हैं जो बैठ करके देश चला रही है, देश चला रही है हमारे देश की लड़कियां। तो लड़कियां क्या क्या कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन लोगों की सोच पर जो कीड़ा बैठ गया है कि लड़की सर का बोझ होती है। ध्यान रखना, एक बार लड़का आपका साथ छोड़ जाएगा, आप जब बुढ़ापे में मर रहे होंगे ना, तो लड़के से कह देना कि मुझे बूंद पानी पिला दे, तो लड़का आपको एक बूंद पानी नहीं पिलाएगा, ठोकर मार के चला जाएगा। और लड़की की अगर आप शादी भी कर दोगे ना, तो ससुराल में जाकर के आपका ख्याल रखने के लिए आपके मायके में आएगी। ये होती है लड़कियां जो अपने ससुराल वालों के भी संभालती है और साथ ही साथ अपने घर में अपने मायके वालों को भी संभालती है। ये होती है लड़कियां, ये होता है उनका आचरण। लड़कों की तुम कल शादी कर दो और जो लड़कों की बहू आती है तो फिर बहू क्या कहती, या अपने अम्मा ही दत्ता के होए कि रो, या फिर हमारे ही होए कि रो, कहती कि नहीं कहती। तो तुम्हारा लड़का जो है, तुमने उस लड़के को जन्म दिया, तुमने उस लड़के को पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसके पैरों पर खड़ा किया। और जब लड़के की बहू आती है तो बहू कहती है कि अपने अम्मा ही दत्ता के होए कि रो, या हमारे ही होए कि रो। तो लड़का ये नहीं कह सकता अपनी बहू से कि वो माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन उनको नहीं छोड़ सकता। क्या लड़के का इतना हक नहीं है? होता हो, अगर एक माँ ना होती तो लड़का कहाँ से आ जाता, और लड़का ना आता तो तुम गोनो कहाँ से हो जाता? बताओ, अगर माँ ना होती तो तुम कहाँ से जन्म लेते? आज की सच्चाई अगर हम आपको बता दें तो आज की दुनिया में बहन सब चाहते हैं मगर लड़की कोई नहीं चाहता। आज की दुनिया में माँ सब चाहते हैं मगर लड़की कोई नहीं चाहता। आज की दुनिया में पत्नी सब चाहते हैं मगर लड़की कोई नहीं चाहता। क्यों? लड़कियां तो बोझ होती है ना साहब। ध्यान रखना, लड़की कभी बोझ नहीं होती, लड़की तो हमेशा सर का ताज होती है। फर्क केवल इतना है कि आप उसको सजा करके कैसे रखते हो। एक बात हम हमेशा कहते हैं बुजुर्गों, कि लड़की को कभी चांद नहीं बनाना चाहिए। अगर यहाँ
पंडाल में आए हो तो एक बात मेरी याद करके जाना कि लड़कियों को कभी चांद मत बनाओ, उसे जब भी बनाओ तब सूरज बना करके रखो। क्यों? चांद बनाओगे लोग मुड़ मुड़ करके देखेंगे और सूरज बनाओगे तो देखने से पहले नजर नीचे हो जाएगी। इतना लड़कियों के अंदर तेज होना चाहिए तो कहीं भी समाज में चली जाए लोग उसकी तरफ आंख उठा के ना देख पाए, और आंख उठा के देखे तो देखने से पहले नजर नीचे झुक जाए। ऐसे लड़कियों के आचरण बनाने चाहिए। लेकिन बच्चों को हमने कल भी बताया था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चों को बनाने वाले भी माँ बाप होते, बच्चों को बिगाड़ने वाले भी माँ बाप होते। ध्यान रखना, माँ बाप अगर चाहे तो बच्चे को सुधार ले और माँ बाप अगर चाहे तो बच्चे को बिगाड़ ले। ये होते माँ बाप के आचरण। बच्चों के अंदर गुण केवल केवल उनके माँ बाप के आते हैं। लेकिन एक बात मेरी बहनाई भी सुन ले, कान खोल के, जितनी भी कुंवारी लड़कियां बैठी हैं कान खोल करके सुन ले मेरी बात। आप देख रहे होंगे बुजुर्गों, आप लोग देखते होंगे कि कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में ज्यादातर सबकी बुद्धि खराब हो रही है। इस व्यासपीठ से बैठ के मैं आपको बता रही हूं क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी किसी भाई की बहन हूँ, मैं भी किसी बाप की बेटी हूँ। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि आजकल दुनिया में लड़कियों की भी बुद्धि पे कीड़ा बैठ गया है। बिल्कुल सत्य बात बता दे, दो चार दिन का प्रेम करती है और दो चार दिन के प्रेम के चक्कर में अपने माँ बाप के महाराज इज्जत पे लात मार के चली जाती है। ये लड़कियां भी कहलाने के लायक नहीं होती है। जो अपने प्यार के खातिर जो लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ के जाती है, धिक्कार है ऐसी लड़कियों पे, ऐसी लड़कियां होना कलंक है। ध्यान रखना, जिस लड़की ने अपनी माँ बाप की इज्जत ना जानी वो लड़की इस धरती का बोझ है। समझ लेना मेरी बात कान खोल के। आजकल के लोग दो चार दिन का प्रेम करते हैं, लोग कहते हैं हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना। ध्यान रखना, अगर तुमसे ऐसी बात कोई कह रहा है कि तुम्हारे बिना मर जाएंगे, स्पष्ट कह दो मरना हो तो कल मर सो भैया, मर जा कल मर दो भैया, मर जा। क्योंकि जब इंसान होता है ना तो कोई किसी के लिए नहीं मरता है। ये सारे झूठी बातें होती हैं केवल केवल फंसाने के लिए। और लोग तुम्हारे मन से प्रेम नहीं करते, ध्यान रखना, तुम्हारे शरीर से प्रेम करते हैं। तुम्हारा शरीर सुंदर, लोग तुमसे प्यार करेंगे। और तुम्हारा अगर शरीर सुंदर नहीं, अगर तुम्हारे चेहरे पर एक दाग भी होगा ना, लोग लात मार के निकाल देंगे। और ऐसा ही हो रहा है, जब तक शरीर सुंदर तब तक लोग प्यार करते हैं, और शरीर सुंदर नहीं तो लात मार के निकाल देते हैं। तो क्या फायदा ऐसे झूठे प्यार में फंसने की? लोग मर जाएंगे तुम्हारे बिना, जी नहीं पाएंगे, कल मरो सो यार मर जाओ। हाँ, कभी झूठी बात तुम्हें मत फंसना। ऐसी ऐसा कोई भी कारण न करो जो आपके कारण आपके माँ बाप की इज्जत चली जाए। ऐसा काम करो जब आप चलो रास्ते में तो फिर लोग आपको देख करके कहें देखो भाई साहब फलाने की बेटी जा रही है, अपने बाप का कितना नाम रोशन कर दिया। ऐसे चलो, जिंदगी जीने का मजा तब आता है, जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब पैसा आपका हो और ऐसा आपके माँ बाप कर रहे हो, तब जिंदगी जीने का मजा आता है ना। माँ बाप के ऊपर जिए तो क्या जिए, जिंदगी को शान से इज्जत से सर उठा करके जीना सीखो। किसी के दबाव में मत रहा करो, किसी से दब के मत रहा करो। अगर कोई कह रहा है कि हम ऐसा कर देंगे तुम्हारे लिए, वैसा कर मर जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मर जाओ बेशक, माँ बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। ध्यान रखना, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बात समझ में आई? मानोगे तो ठीक। महाराज